थैंक यू सर। आदरणीय सदस्य श्री संबित पात्रा जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुदानों की मांग पर शिक्षा पर बोलने की अनुमति दी। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समः सहृतः, नास्ति विद्या समः वित्तं, नास्ति विद्या समः सुखम्। विद्या जैसा कोई बंधु नहीं, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं, विद्या जैसा अन्य कोई धन नहीं, विद्या जैसा कोई सुख नहीं। जिसके पास विद्या है, जिसके पास सुख है, वही बलवान है, वही धनवान है। वह अपराजित होता है, उसका कभी पराजय नहीं होता, जिसके पास माँ सरस्वती का वरदान होता है और जो विद्यावान होता है। और सभापति महोदय, मैं इस सभागृह में मौजूद सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जिस प्रकार से यह चर्चा चल रही है, मैं बहस नहीं कहूँगा, यह बहस नहीं है, ये चर्चा है। और जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर चर्चा होती हो, जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर इस प्रकार से सभी एक समकक्ष के रूप में आगे बढ़ते हो, वह राष्ट्र अपराजय है, वह राष्ट्र एक दिन विश्वगुरु अवश्य बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। इस बजट में तीन शब्दों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुदान दिए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, चर्चा की गई, वह है शिक्षा, स्किलिंग, उद्यमिता और उसके साथ रोजगार। सभापति महोदय, मैं इस सभागृह में बैठकर सभी के भाषणों को सुन रहा था। कुछ लोगों ने हमें मनुवादी भी कहा अभी थोड़ी देर पहले, और कुछ लोगों ने कहा कि पुरातन भारत में इस प्रकार की विधाएं थी जिसमें कुछ जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उसके विषय में बहुत चर्चा हुई है। मैं बताना चाहता हूं, एट द आउटसेट आई वांट टू डिफाइन दिस वर्ड भारत। भारत का अर्थ क्या है? भा से रथ ओ जो भूमि, वह भारत है। भा क्या होता है? भा मूल शब्द होता है प्रकाश का। भास्कर, जो प्रकाश देता है वो भास्कर है। भारती माने सरस्वती, जो ज्ञान देती है, जो शिक्षा देती है, जो विद्या देती है, वो सरस्वती, वो भारती है। जो भूमि खंड अनादिकाल से अनादिकाल तक ज्ञान और विद्या और शिक्षा से रत हो, वही भारत है। मैं आप सभी को आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत फोटो दिखाए गए हैं इस ग्रह में, भगवान के भी तस्वीर दिखाए गए हैं। मैं बिना तस्वीर दिखाए एक ऐसा तस्वीर दिखाऊंगा जो तस्वीर आप सबके मन में बसता है। कल्प का अंत होता है, एक कल्प के अंत के हो पश्चात भगवान विष्णु, भगवान नारायण क्षीर सागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं, शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं। पद पे उनकी लक्ष्मी होती है, आंख अधमूंदी सी होती है, नारायण के एक हाथ जो होता है उनके शीश पर होता है, एक हाथ नीचे होता है। नारायण इज कॉन्टेम्पलेटिंग भावी कल्प कैसा होगा, उसके विषय में नारायण चिंता करते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा, उसकी चिंता करते हैं। जैसे ही He conceptualizes how the bhavi kalpa would be from his nabhi padma, जिस पद्म के विषय में भी यहां बताया गया, उस पद्म पर बैठ करके भावी कल्प के जिनके पास स्किल होता है वो ब्रह्मा उपजते। The brahma is skilled to produce the next brahmand, next universe, and you know who provides the resource? जब उनके पास इनोवेशन होता है तो वो महालक्ष्मी की तरफ देख के बोलते हैं, महालक्ष्मी मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, आपके ग्रांट से ये ब्रह्मांड बनेगा। देयर इज नो जेंडर इन वैकुंठ, वैकुंठ में कोई नर नहीं, कोई नारायण नहीं, वही नारायण नारायणी है, वही शिव शिवी है, वही पार्वती है, वही शिव है। इसलिए ये धारणा गलत है कि नारी नर के पैरों के पास बैठी है।
तात्पर्य है कि जहां आइडिया है, जहां इनोवेशन है, जहां विद्या है, जहां शिक्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं है, रिसोर्स की अपनी बाहें अपने आप ही खुल जाती है, मां लक्ष्मी तथास्तु का ही देती है। बंधुगण, जहां तक भारत के विषय में कहा गया, अभी मेरे भाई नालंदा के विषय में बोल रहे थे। जब नालंदा को बख्तियार खिलजी ने